हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। ये है प्लम का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ग्रीन टी। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है और मुझे कैसा लगा इसको यूज करके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो या गाइस, ये प्रोडक्ट ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये प्रोडक्ट भी क्लेम करता है कि ब्रेकआउट्स नहीं होने देगा, ऑयल फ्री फेस रखेगा और इवन आउट करेगा फेस को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और इसके अंदर एक ऐसा पैम्पलेट भी आता है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन मास्ट है वो भी दिया हुआ है। मैंने प्लम का सनस्क्रीन भी यूज़ किया है, तो उसका रिव्यू मैं बाद में लेके आऊँगी आपके पास, मुझे कैसा लगा प्लम का सनस्क्रीन रिव्यू, मतलब सनस्क्रीन यूज़ करके। ठीक है, अभी मैं बोलती हूँ। ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, ऐसे पंप के साथ, जो कैरी करने में बहुत ही इजी है। आप ट्रैवल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइट होके बंद होता है, लीकेज का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, और पैकेजिंग ऐसा आता है कार्डबोर्ड। ठीक है, इसका प्राइस आता है 470। आई थिंक आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा नाइका पर्पल और प्लम के वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं जाके। अभी बताती हूँ कि मैंने इसको डेढ़ महीने यूज़ किया है कम्प्लीटली, डे और नाइट। ओके, या कभी कभी नाइट में, नहीं तो मैंने एक और वीडियो डाला है अपने चैनल पे प्लम का नाइट जेल, उसको मैंने ज़्यादा यूज़ किया है नाइट पे। इसको डे में यूज़ किया है, लेकिन आप इसको डे एंड नाइट बोथ टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, नेचुरल एक फ्रेग्रेंस आता है, एडेड कुछ नहीं है। बात मतलब सीरियसली ऑयल बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, समर उतना आया नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि समर में कैसा ये काम करेगा। विंटर में बहुत अच्छे से चल जाता है, ऐसा नहीं कि विंटर ड्राई सीजन होता है तो ये ड्राई कर देगा, ड्राई भी नहीं करेगा लेकिन ऑयली भी नहीं होने देगा आपके फेस को। बहुत अच्छे से एक मॉइस्चराइजिंग सा एक मतलब आपके फेस लगेगा, और मतलब ऑयली स्किन वालों का एक प्रॉब्लम होता है ना, कुछ भी लगाने के बाद ही ऑयल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो नहीं होने देगा आपको। आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा मैट भी नहीं करेगा, कि कुछ कुछ प्रोडक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि लगाने के बाद ज़्यादा मैट कर देता है, जो मुझे अच्छा नहीं, एक ग्लोई सा लुक मुझे अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा मैट ड्राई मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वैसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैट नहीं करेगा लेकिन मॉइस्चराइज रखेगा आपके फेस को, ऑयल निकलने नहीं देगा। ठीक है, इसको लगाने के बाद कुछ पिंपल वगैरह अगर आए, एक्टिव पिंपल, वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लेम करता है चला जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। ठीक है, और मतलब क्या बोलता हूँ, इवन आउट भी नहीं करेगा, स्पॉट्स रहेगा आपके फेस पे। ठीक है, वैसे अगर आप नॉर्मल मतलब ऑयली स्किन है, आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मतलब ऑयल से मतलब बचा के रखेगा, ऑयली जल्दी से ऑयली नहीं होने देगा। मैंने अभी भी लगा के रखा है, आप देख सकते हैं यही लगा के रखा है। ठीक है, तो और ये केमिकल फ्री है, तो आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सभी केमिकल फ्री प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है 50 ml के पैकेजिंग पे ये आता है। ठीक है, ओके, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको परचेज करना हुआ तो वहाँ मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम रनी नहीं है और एकदम थिक भी नहीं है, एक मॉइस्चराइजिंग सा टेक्सचर है, जेल टाइप का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, एक ग्लोई सा हो गया है
फ्रेग्रेंस एकदम नेचुरल है, आप जरूर परचेज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लम का और भी प्रोडक्ट मेरे चैनल पे आने वाला है और कुछ कुछ आ चुका है, आप ज़रूर देखिए उसको जाके। ठीक है, बाय बाय।